हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट कड़ी। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो बॉटनी का पेपर ऑर्गेनाइज कराया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसके आप देखेंगे इसमें कई सारे क्वेश्चन जो यूपी में 2018 में एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था बायो का, उसमें से दो तीन क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड हैं। और ये क्वेश्चन अभी जो 2018 में केवीएस हुआ है उसमें एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। इन यूकैरियोट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन, तो किस में पाया जाता है आप लोग बताएंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया। द लैक ओपरान इज इंड्यूस्ड बाय, तो उसे हम एलो लैक्टोज, उसे लैक्टोज के लिए होता है, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है आपके एलटी ग्रेड में। ए पॉलीपेप्टाइड इज असेंबल्ड ऑन, तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ बनती है, तो वो राइबोसोम में बनती है जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नेम ऑफ एस्कार्बिक एसिड, तो एस्कार्बिक एसिड जो कॉमन नेम है वो विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लिक एसिड, इनमें किस में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, तो लाइसोसोम में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, माइटोकांड्रियम पाया जाता है, न्यूक्लियस मगर लाइसोसोम में नहीं पाया जाता। क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, तो सी फोर प्लांट में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, सी फोर प्लांट में हमें क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विच हार्मोनल कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ लीफ इन प्लांट, तो वो है डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो वो फॉलिंग होने लगती है लीफ। रूट प्रेशर इन द प्लांट इज कॉज्ड बाय, तो वो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से रूट प्रेशर देखने को मिलता है। द फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट ऑफ सी थ्री प्लांट, तो वो होता है थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड, क्या होता है, थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड। लेग्यूम रूट नोड्यूल्स कंटेन लेग हीमोग्लोबिन, इट इज फंक्शन इज टू रेगुलेट, तो देखिए हीमोग्लोबिन बॉडी में क्या करती है, हम लोग बॉडी में तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो फोर चार। यहाँ चूंकि लेग हीमोग्लोबिन है तो लेग हीमोग्लोबिन का मतलब समझ आयरन संबंधित है, तो ये किससे रेगुलेट करेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेट को, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज पुट फॉर बाय एजी टेंसले, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फिनोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द स्पीसीज एंड द डिफरेंट फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंटल इज नोन एज, तो वो कौन से है, तो वो है बायोलॉजिकल क्लॉक। द फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं डिटाइटस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीजीटी में, जो अभी यूपी पीजीटी है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीजीटी में 2019 में जो एग्जाम हुआ है यूपी का पीजीटी। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस ऑफ फॉर, तो वन हॉर्न राइनोसोर के लिए फेमस है। द अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन 1992 रिजल्टेड इन, तो वो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। विच कैटेगरी ऑफ द पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कभी उल्टा नहीं होता, हरदम सीधा होता है। रेड डेटा बुक गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो जितनी भी हैं थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और वल्नरेबल स्पीसीज हैं, तो वो सबके लिए है, डी सही है। इन द पिरामिड ऑफ नंबर हार्बीबोरस ऑक्युपाई, तो उनकी संख्या होती है दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो वो था कार्बेट नेशनल पार्क। विच ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, तो वो ये है इथिडियम ब्रोमाइड कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।
Restriction endonuclease enzyme was discovered by तो अर्बर स्मिथ एंड नाथन्स. ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है शायद एलटी में भी आया है, मे बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर. तो जो आर एफ एल पी है ये पीसीआर बेस्ड मार्कर नहीं है, ध्यान रखिएगा. ये होता क्या है तो ये भी देख लेते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर एफ एल पी इज द टेक्निक दैट एक्सप्लॉइट्स द वेरिएशंस इन होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग द इंडिविजुअल्स पॉपुलेशंस एंड स्पीसीज और टू द पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ जीन विद इन ए सीक्वेंस. तो ये है और डिफरेंट लोकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट. तो ये आप देख लीजिएगा, ये है हमारा इसका मीन्स था. एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि आर एफ एल पी एनालिसिस वाज आल्सो द बेसिस फॉर अर्ली मेथड्स ऑफ जीनेटिक फिंगरप्रिंटिंग. ये ध्यान रखिएगा, यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल्स रिसीव्ड फ्रॉम क्राइम जो सीन्स हैं और जो क्राइम सीन्स हैं उसके जो जीनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है उसमें इसका अहम रोल होता है. इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेडोमिनेंट पैटर्निटी एंड इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीनेटिक डाइवर्सिटी और ब्रीडिंग पैटर्न इन एनिमल पॉपुलेशन. तो ये भी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ मैनी ग्राम ऑफ आई ए आर नीड टू द प्रिपेयर ए लीटर ऑफ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ आई ए ए. ये इसका जो वेट दिया हुआ ये दिया हुआ है तो वो होगा 1.75 ग्राम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजडी. तो ये बहुत क्वेश्चन आता है, मिक था, मेथिल, आइसोसाइनाइड था. विच सिक्वेन इज द पैलिंड्रोम. तो इसमें जो आंसर सही होगा पैलिंड्रोम का आप लोग बताइएगा. हाँ, ये सही होगा डी. क्यों? क्योंकि आप इधर इधर का जब इसका जो पेयर आएगा तो इसका अगर उल्टा कर दें तो सेम पेयर आएगा, तो इसका डी सही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिप्लॉइड सेट 3x क्रोमोसोम इन द एंजियोस्पर्म. तो वो हमें देखने को मिलता है एंडोस्पर्म में. किस में देखने को मिलता है? एंडोस्पर्म में. द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फ्रूट इज. तो कंपोजिट फ्रूट का जो एग्जाम्पल है वो जैक फ्रूट है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए सिंजोस्पोर. तो बाउचेरिया जो है उसमें सिंजोस्पोर हमें दिखाई देते हैं. हाउ मैनी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन कैल्बेसियेला. कितने जीन्स कैल्बेसियेला में रिपोर्टेड हैं तो आप बताइएगा हमें. तो वो है 17 जीन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट लेंस द माइक्रोस्कोप इज नोन एज ऑयल इमर्सन लेंस. तो एक्स हंड्रेड ऑयल इमर्सन जो लेंस होता है X100. हु गेव द फ्लूइड मोज़िक मॉडल. तो सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़िक. रॉबर्टसन ने क्या दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था. कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को खोजा था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन विल बी मैक्सिमम. तो कब मैक्सिमम होगा? तो वो होगा वेट एंड एटमोस्फियर इज ह्यूमिड. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जीनेटिक चेंज कैन प्रोड्यूस एन ऑनकोजींस. तो ऑल ऑफ द अबव होगा. अकॉर्डिंग द सम फाइंडिंग द रीजन फॉर ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ विच. तो इसमें क्या होगा आप बताइएगा. तो इसमें होगा डिक्लोफिनेक. क्या होगा? डिक्लोफिनेक. डिक्लोफिनेक की दवा किसकी आती है? ये पेन किलर है, हाई पेन किलर है डिक्लोफिनेक, जो बोबरान या सार के नाम से मार्केट पर उपलब्ध है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एट
which site RNA polymerase bind to a DNA molecule. तो उसको क्या बोलते हैं आप बताइएगा, तो वो होता है हमारा प्रमोटर. तो ये दोस्तों पूरा का पूरा पेपर था हमारा UKPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन जो PGT TGT में रिपीटेड हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थे. देखिएगा, कमेंट्स करिएगा और हमें बताइएगा. धन्यवाद.